आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है आंटी रूबियना। खाना खराब हो वे, आज भी तेरा वही स्टाइल है, तन जुत्ती काट के मार रही हूँ। बेहतर लगती है यार, आप पे सूट करते चुड़ैल के या फिर डायमंड के? तेरा खून पीने वाली हाय बब्बू दा, मगर बब्बू राणा जाने ना जी जी, ओदे मगर क्वालिटी करया कर। जवानी में इतनी प्यारी और हसीन होती थी मैं। केड़ी जवानी तेरी, केड़ी जवानी? तारीफ कर रहा हूं, केड़ी केड़ी जवानी मरने आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ टीवी। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, वो बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडियन और आंटी रूबियनम। छितर खाने वाले काम तो शुरू तो ही कर लेना। स्टाइल में आपको आंटी को ना, मैंने मैंने कहा मैं तन जुत्ती काट के मार रही हूँ। चलो चलो आंटी नहीं कहता, मगर ये मुझे बताएं ठीक है कि ना आप मुझे जो जिस तरह आपका आपका नाम रूबी है, अनम जी, रूबी अनम जी जी, जी मैंने इतनी मेहनत जी कहने के लिए कि मुझे आप जी कहें। जी जी जी, जी जिस तरह का आपका नाम है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने हॉलीवुड की हीरोइन बनाई है। तो हॉलीवुड की है, मगर मुझे बड़ा अफसोस है ना कि आप हॉलीवुड की हीरोइन अगर मेरे सामने होती है ज्यादा मजा आता। मैं भी जिदे अगे बैठी हाँ, तौबा इस्तगफार, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, जिदों का तू काम शुरू किया पुत्र है उदों की तेरी पैंट है। लोगों को कहना कि सर्च करो ये सारे प्रोग्राम, तेरे कपड़े तेरी शर्टा सब कुछ बेटे मैनू भी लगता है मैं 1960 के बाबे के नाल काम करन लगी। एडे एडे तेरे मुँह तो छेक पै गए ने कि हूँ तो तू एडी एडी पेन स्टिक लाने तो भरते ने, तेरा खाना खराब हो गया, अज भी तेरा उ स्टाइल है काम का। मैं तो बेहतर हो गया मुझे लग रहा है। नहीं तू बेहतर नहीं, तेरा खाना खराब हो गया। आपको कौन से रोल आपको बेहतर लगती है यार, आप पे सूट करते चुड़ैल के या फिर डायमंड के? बहन तेरा खून पीने वाली। अच्छा तेरा खून कुछ कर सकती है, करके देखें। हाय तेन मैं तो मुझे डैन लग रही पे। अच्छा तेरी बड़े भूतने की शक्ल है, भूतना कभी देखी है? जी 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 हाँ, खुरके नहा लिया कर पुत्र, कभी कुछ करना है। सर्दी है ना आजकल, तो सर्दियों च बहुत नहाना चाहिए, खुशकी हो जाती पिंडे दे उत्ते, तेरे तो वैसे बड़ी खुशकी है, देसी घ्यो तेरे तो मुकद्दर च सारी हाथी हो ही नहीं, ना तो कभी मक्खन खाधा मरे, गर्म नहीं ना तो कॉफी भी नहीं कभी तेन लंबी चंगी कि तू वही पीती हो। कॉफी से याद है आपकी चाय। हाय बब्बू दा, मगर बब्बू राणा जाने ना ओदे मगर क्वालिटी उन्होंने ऑफर की है वो ऐसे ऐसे, मगर उन्होंने कहा तूने कुछ बोलना नहीं। बोलना तो फड़िया जाना, दंद सही कराए नहीं कि नहीं? मैं तन क्या ना अपने दंद सही करा ला। पता है जो कैमरा होता है ना वो 10 किलो वजन ना बढ़ा देता है, मगर आपकी बारी तो मुझे लाइव में इतना ज्यादा लग रहा है तो कोई बेड़ा गर्क हो गया होगा कैमरा जो लोग देख रहे हैं। क्या आपस की बात है, मैं जितनी फिट इन 2 सालों में भी हूँ इतनी तो मैं पहले भी कभी नहीं थी। अच्छा आप पतली हुई हैं? मैं फिट, एक अट्रैक्टिव, एक ग्रेसफुल लेडी जो होती है ना। अच्छा वो तो ये अभी हुई है तो पहले क्या होगा? पहले सुखी सड़ी सी। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये मुझे बताया, अपना जवानी में इतनी प्यारी और हसीन होती थी मैं? नहीं 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 नहीं, मैं केड़ी जवानी, केड़ी जवानी तारीफ कर रहा हूं, केड़ी केड़ी जवानी मरने हैं। कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, तेरे सेट दी केड़ी केड़ी शायद तो टूट नहीं इथे बेटा। अच्छा मैं बता रहा हूं, तो अपना जवानी केड़ी, जवानी केड़ी पिक्चर्स मैंने देखी हुई है। पिक्चर केड़ी, फिल्म तो मैं कीती कोई नहीं, फिल्म तो मैं कीती कोई नहीं। वो इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर में जो आप लगती थी, अगर मेकअप इजाद ना हुआ था तो आपका क्या बनता? मैं मेकअप ना भी इजाद होया हुंदा ते वेला मेरे सारे 14 साल पुराने ड्रामे कढ़ के वेला, 15 साल पुराने कढ़ के वेला, जे तेरे नजर आवे विच मैं मेकअप कीता फिर गल करी। हाए ए जोर जोर दे पैणगे बेटा, ए सची मुची मैं मार रही हां लोगो, जे वेख लवो जिन्ने मेरा इंटरव्यू करना है खास कर यूट्यूब दे उत्ते ओनु इंज ही सोटे पैणे। जे मुझे पता नहीं मेकअप कितना साल बंदे का कम कर देता है वैसे। मेकअप बेटा बेस की थी तू पेंसिल वाली, मैं तो फाउंडेशन लाया है ठीक है, और मैं तो बिल्कुल मेकअप ना नेचुरल किया है। ऐ तू अपने टोए टिब्बे जड़े टोए टिब्बे भरे नहीं ना ए वाले, ऐ तेरा खाना खराब हो वे गंदे दंदा लिया ये सर्द दंद, तौबा तौबा तौबा। अच्छा वैसे मैंने पहले भी आपको
बड़ी दफा कहा है ठीक है, मगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि कॉमेडी होता है ये औरतों का काम नहीं होता, मगर फिर भी आप बाज क्यों नहीं आए? मर्दा ने ठेका लेता है इसरा इंसारी जी मोमो हिना दिल पजीर साहब ठीक है, रुमाला जी शिवा हसन साहिबा ठीक है, ए तैनू लगदा कि इना सारीया ए गलत काम कर दिए? गलत काम कर मेरी सीनियर दे बारे चलो चलो वो तो कॉमेडी करती हैं तो आप 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 क्या करती हैं? मैं बदमाशी। अच्छा मुझे आती है करनी, लोग बर्दाश्त लोग बर्दाश्त करते हैं। हाँ हाँ तो मुझे पता, इतने जो फैंस हैं ये पागल हैं क्या? ये अल्लाह की रहमत, मुझ पे अल्लाह का करम है। अच्छा अल्लाह मुझ पे राजी है, अल्लाह मियाँ मेहरबान है और अल्लाह हमेशा मेहरबान रहे मुझ पे। पसंद क्या करते हैं वो आप में? मुझे मेरी सच्चाई, अच्छा सच्चाई, मेरी सादगी, अच्छा, मेरी बदमाशियां, अच्छा अच्छा मैं जेड़ा ऐ तेरी नासें च तुननी ने एंड दे उते ऐ लोकां नु पसंद है। लोकां नु पता है कि मैं नूरा कुश्ती नहीं लड़दी, लोकां नु पता है मैं रियल, जो मेरे अंदर है ओही ओ वेख दे। चलो सवाल करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज मुझे बता, ए ए ए सवारी याद क्यों नहीं की थे पहले? आपको बात बात पे जो गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा नहीं आता, ये नेचुरल है। चले चले जो भी आता है ठीक है, ये आपका दिमागी मसला है या फिर ज़हनी मसला है? हाय सोच, मैं सोच रही हूँ ए रब है ना, हर वारी मेरे हाथ च कोई ना कोई शय आ ही जाती है तेन मारने वास्ते। हाँ अच्छा ये एक चीज़ है कि आपसे पर्सनल सवाल पूछूँ, आप पूरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं मैं नहीं मुड़ूंगा। आज आपका वजन कितना? मेरा इस दफा माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलो, 120 किलो जी। पागल तो नहीं है? कितने बताएं बेटा? तू मैंने हुणे मशीन थलो मंगा के देगा और मैं अपने नाल वापस भी लेके जाऊंगा। तू मैंने मंगाया के देगा मशीन हुणे? वो मशीन हमने तोड़नी थोड़ी है। लोग पागल नहीं है इन बातों पे? ऐसे पागल नहीं है, लोग इतनी कॉमेडी देख चुके हैं, हर बंदे ने एडी एडी फिक्की कॉमेडी की थी, उन्होंने कोई सच्ची तो सुची गल सुनाओगे तो हसनगे, लोगों नु सुनाओ। अच्छा ये लोग पागल नहीं है, लोगों नु नजर आ रहा होंगे सारा, फिर खुरके जाना फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जब चले वजन नहीं आपने बताना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं वैसे ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिले ठीक है इन दोनों में से, तो आप क्या चीज़ कम करेंगी, अपना वजन कम करेंगी या उम्र? दोनों ही ज्यादा है ना? मेरे ख्याल में माशाल्लाह उम्र अल्हम्दुलिल्लाह वे। अच्छा लोगों ने दुआवां कर करके मेरी उम्र बधाई है। अच्छा मैं तो नसीबा लिया कि मेरी उम्र लोगों ने बधाई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तेरा नक् बढ़ावा अगों अगला पोर्शन, और मैं ना करा मैं अपनी, मेरी हाइट भी ठीक है और मेरा वेट भी हूँ ठीक होया शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मुझे पता है आप जितना रोला डाल के बोलती हैं ठीक है, रोला क्या डालती हैं? क्या जितना बोलती हैं आपकी आधी बातें मुझे समझ ही नहीं आती, तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं? तेनू वैसे कुछ नहीं समझ आ रही, तेनू समझ आ रही होंगी बेटा, तो इस टाइम एक कोई चैनल तेरा अपना होंगे, कोई टी वी तेरा अपना होंगे, हले भी यूट्यूब तो धिके खाने लख लानत तेरी जिंदगी, लोग तरक्की करके अगे जाते हैं, तू पहला बंदा जो उत्तों थले आन डे। जितनी आपकी एज है आपको ऊंचा बोलना ही नहीं चाहिए। ए तू सवाल दा जवाब दे, कंफ्यूज ना हो। एज उन लोगों के लिए होता है जिहड़ियां हीरोइनां हुंदियां, मैं तो हीरोइन है ही नहीं, मैंने तो कोई लोड़ ही नहीं। नहीं आप करती हैं एक्टिंग करती हैं? अच्छा मैं तेरी बाजी हां। आंटी 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 अबे जा वे मगरों ले, मैं भला आंटी दे कहन ते तेरे को हो जाना। चल 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 सवाल कर, एदे च ऑयल शॉयल तो नहीं हैगा? ऑयल नहीं है, मैं उन्हें देखी ना शॉयल का पता नहीं। चल बकवास कर। अच्छा अच्छा एक चीज मुझे बता, कभी आपने डॉक्टर से चेकअप कराया अपना? हां क्या कहता है डॉक्टर? कहता है ब्लड प्रेशर नु हाई नहीं होने देना। दिमाग का क्या कहता है? उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, है ना? मुझे पहले शक था। तो उसका कुछ इलाज कब करा रही मिर्चा ने देख मिर्चे हैं चले ठीक है, वो इलाज का बता रही थी डॉक्टर से आप करा कर वे। अच्छा 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 जो मुझे बताए वो जान दे पेड़े बकवास कितने तुम लाए ने। अच्छा मुझे बताए आप इतना अरसा ठीक है स्टेज पर काम करते रहेंगे, कभी आपकी कोई डांस वाली वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई? मैं खाना ना रही होंगी, मैं सोटियाँ ना तेन मारना। डांस डांस मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी डांस नहीं किया, कोशिश भी नहीं की। आप हाँ क्यों नहीं? मैंने सुने सब
खवातीन स्टेज पे डांस करती है, मेरी लातें तो बड़ी छोटी है, मुश्किल होती है, ऐसी ऐसी करती है। जैसे आप कॉमेडी में इतनी हिट है, अगर आप डांस करती हैं और गाना भी अगर गाना आता होता आपको, आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। हाय अल्लाह मियाँ ने सारा कुछ इस शो बिज का बेड़ा करके ऐसे वजह तो होया कि जिदा जड़ा काम नहीं सी बनता उन्हें वह किया, तुम राइटर मार दिता थिएटर तो, तुम आप ही डायरैक्टर बन गए, आप ही राइटर बन गए, आप ही प्रोड्यूस कर लग पे, टेलीविजन तो हूँ चले जाओ, टीवी का खाना खराब की हो रहा है। अपने अपने पिछले 15 साल तो अपने अपने ग्रुप ने, अपने हलका बंदियां ने, अपनी टीम है, और तुम स्क्रिप्ट भी ओह जे कर रहे हो। मैं कहनी हाँ तुर फिटे मूँह, जिन्हों का बंद है उन्होंने तो काम कराओ, अपने घर अपने रिश्तेदार ही रखी जा रहे हो, जोड़ा विह कर दो बुढ़ी को काम करा डे, जी बुढ़ी बंदे दे नाल का बारो कर दी विह वो भी काम कर लग पाया है, कि बकवास है। और उन्होंने लव सीन के इन्ना अननैचुरल लग रहा होंगे, बकवास प्रोग्राम तो ठीक है, मुझे मुझे भी थोड़ा सा सिखा दे, चेक कर लूं ठीक है कि नहीं है। नहीं चाय ठंडी हो गई, मुझे इसकी फिक्र बड़ी हुई, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि ना ये जो बीजुमालो होती है, ठीक है, बीजुमालो का काम आप करती रही हैं या फिर मुझे आपकी शक्ल देखकर बीजुमालो की याद आ जाती है? सर बीजुमालो दा जाते, बीजुमालो की सी क्या था, क्या की सी, की सी की सी, तेन तू बीजुमालो तो सिर्फ नाम सुना नहीं है, बीजुमालो की सी, की सी मुझे नहीं पता की सी, जो तेन पता नहीं बीजुमालो की सी, की सी बीजुमालो ड्रामा सी, सीरियल सी, बीजुमालो कोई कहानी दा रोल सी, कोई की सी तेन पता नहीं, तो फिर चुका मैं कोई जवाब ला रहा। पिक्चर सेगमेंट करते हैं ठीक है, और पिक्चर्स में आपको मैंने पूछना है इनके मुतालिक, ठीक है, आपने बताना है। जी ये पहली तस्वीर, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये नए होस्ट जो बने हैं? नए तो नहीं है, पुराने है। बहुत टैलेंटेड। क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं इनका पता। हारून साहब। अच्छा इन्हें आफ्ताब इकबाल 2.0 भी कहते हैं कुछ। इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान है, मुझे इंसानों से बहुत प्यार है। अच्छा ये इंसान है, इंसान पॉजिटिव, और मैं इनके बारे में सिर्फ इतने कहूँगी कि अल्लाह किसी को इज्जत बगैर वजह के नहीं देता, पाक आदमी है, मुझे पसंद है। बाकी लोग इंसान नहीं है, बाकी लोगों की गल होती पई है। नहीं 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 नहीं, अच्छा इनका क्या नाम है, ये कौन है? ये मेरा बेस्ट बड़ी, ये हरदीप गिल साहब है। हरदीप गिल, ये क्या करते हैं? अच्छा कौन है? मैं खाला फिर तेन दस एक्टर है, एक्टर है, इंडिया के बेहतरीन कॉमेडियन, बेहतरीन परफॉर्मर, एक्टर जी। अरे उनकी बेगम साहबा जो है वो वहाँ की टॉप स्टार है। अच्छा जी, कहाँ की? इंडिया, इंडिया की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चले। इनके बारे में, इन दो ये जो हैं ये सिंधी कुड़ी दे मुंह वाला हाजी ठाकर, हाजी ठाकर वो बंदा है जिसकी वजह तो मेरी जिंदगी बहुत कुछ अच्छाइयां ने, बहुत मुहब्बत ने, तो ऐ बंदर जड़ा बैठा है भी मेरा जिगरौटा ही है। ये अभी रिसेंटली ये 2021 की पिक्चर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ये कौन सी फिल्म के शूट के लिए? कमलापुत पार्ट 3 की। इतना परेशान है, एड्डी जोर दी ठाकर से बाहर रखी प्रिया ने। क्या नाम है इनका? प्रिया खान, ये जमुर्द खान की बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, ये ठाकुर ने पेट क्यों पकड़ लिया, वो पेट खराब आंखें भी बाहर आ गई ठाकुर। हाँ जी बहुत सोना लग रहे माशाल्लाह, हाँ जी कंफ्यूज है, परेशान भी लग रहा है। प्रिया की आपको एक बात बताऊँ, कोई अपनी एज नहीं बताता, प्रिया मेरे सामने जिस दिन मैं शो बिज में आई थी उसके 3 दिन बाद पैदा हुई थी। मैं इतनी प्रिया अगर 30 साल की होगी, प्रिया 30 साल की नहीं है, प्रिया बहुत छोटी है, प्रिया जमुट खान की सबसे छोटी बेटी है। 15 साल की है? नहीं 15 साल जी, कितनी सवाल सही कर, नहीं, नहीं, सही नहीं, कर, नहीं, सही, नहीं, सही कर, मुझे नहीं पता ना कितने की, ये तो काम इतने ही होगा ना। ये आप है
प्रिंसेस बनने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये आपकी एज है, ये हर आफ्ताब इकबाल साहब नु डायरेक्ट सवाल जा रहा है बेटा, मार देंगे तो पता है जो रोल है। चले आपने किया तो है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों किया? क्या मैं इसलिए किया क्योंकि मैं लगती हूँ ऐसी, वो रोल मेरा है। प्रिंसेस लगती हैं? हाँ मैं हूँ। कहाँ की प्रिंसेस लगती है? मेरी एक अपनी सल्तनत है। हाँ, वो कच्ची फतोमंड। फतोमंड का भी पता है? हाँ। फतोमंड का थोड़ा जा रास्ता दस दें ना तो मैं आज पता की करा, मैंने जो कहेगा मैं कड़ी ला के तेरे आपको मैं बताता हूँ। मेरी अम्मा की ना बचपन में एक दोस्त थी, वो कच्ची फतोमंड रहती थी। कच्ची फतोमंड? हाँ, गुजरांवाला में। उधर कच्ची फतोमंड किधर आया? उधर किधर? गुजरांवाला में है ना कच्ची फतोमंड। उधर नहीं है, मरे उस पास नहीं है। अच्छा, फिर किधर है? बेड़ा घर को वही। सॉरी सॉरी, प्रिंसेस आप है, आपको पता होगा कहाँ पे है। प्रिंसेस मैं तो भाई जाके डरे नहीं है उधर जाके, मेरे तो जिगरोटे रहते सारे। किधर? ही फतोमंड। इनके बारे में बताएं। आफ्ताब इकबाल एक ही है? नहीं, वो तो एक ही हैं और एक ही रहेंगे। खा के किसी दा बुराई ना करो, क्या बात है। ये इंसान को बताते हैं कि तेरी औकात की है, कौन कितने पानी में है। यस यस। अच्छा वैसे सुने, हर जो कॉमेडियन है जो इन्हें छोड़ के गया है वो नहीं छोड़ के जाता, खुद ही नहीं, खुद ये निकालते नहीं है। हाँ हाँ, इनकी ये खूबी है। जो भी कॉमेडियन के शो से गया है ना वो तब भी गया है जब उन्हें कोई और चीज मिली है, प्रोग्राम मिला है। ठीक है, मैंने सुना है अवैध कॉमेडियन है जो अपनी तबीयत की वजह से गई थी और एक नए शो की वजह से पैसों के लिए नहीं गई, इनको छोड़ के। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऑफर है, अभी ये रिसेंटली एक और चैनल पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे जब मेरा प्रोग्राम है तब तक मुझे अभी भी ऑफर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जाके एक सेगमेंट कर सकती हूँ, और पेमेंट अब तो ज़्यादा अच्छी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे आगे जा रहे हैं। अल्लाह की बड़ी, अब भी जिसको जिस पे काम करें वो भी कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, वो भी बहुत बड़ा, लेकिन अब जिस पे आगे जा रहे हैं क्योंकि बहुत मोहब्बत से, लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं अब काम अपनी मर्ज़ी से कर, मैं ज़िंदगी का थोड़ा मज़ा ले रही हूँ, मैं लाइफ को इन्जॉय कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। तेरा प्रोग्राम संजीदा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में कभी कभी काम की बात भी कर लेनी चाहिए। हर दफ़ा बकवास, मजाक, शरारतें, तो इन्होंने मुझे जीना सिखाया। इन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिल रही है, मुझे नहीं दुनिया को बताते हैं, और मैंने इनसे सीखा है कि हम लोग जो कुर्बानियाँ, कंप्रोमाइज़, ये सब जो है ना। और ये पता मुझे तब लगा जब मैं बीमार हो गई, और अब मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। मैं अपनी लाइफ का, मैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं वो सब कुछ नहीं खा सकती जो मैं फिल्मों में, ड्रामों में या किताबों में पढ़ती थी कि हमारे पास तब पैसे आते हैं। अल्लाह ने पहले भी मैं सब कुछ खाती पीती थी। मैंने एक तो आपको पता है मैं अरैण हूँ, तो मजांग दी अंदरून दी मैं रहण वाली, खाण पीण वाली, लेकिन आज मैंने जो दिल जो मैं खानी हूँ मैं नहीं खा सकती। पहले डाइटिंग करते रहे, पहले वो जिम जाते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, सारी ज़िंदगी 14 साल अपनी लाइफ में किस तरह गुजारिया, तो हूँ सब कुछ है, तो हूँ वो तुम खा नहीं सकते। तो मुझे बताओ आपने चर्स पीना भी छोड़ दिया? नहीं, हूँ मेरे को भरी नहीं जाती, मेरे हाथ काट दे नाले, मैं चर्स भी बियर भी तेरी चर्स मैनू क्या है? मैं 7 हज जिन्हें किए ने उन्होंने तू चर्स की गल करना पे परे 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 इतने छोटी खा मजाक कर रहा था क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे बता, ये सब दो तरह के कॉमेडियंस होते हैं, ठीक है? एक होते हैं जो कि लाइव प्रोग्राम में इनकी बुराई कर देते हैं, कुछ बाकी जो कॉमेडियंस होते हैं ना वो पीठ पीछे करते हैं, कैमरे पे नहीं करते। तो सारे कॉमेडियंस ऐसे क्यों करते हैं? क्या सारे कॉमेडियंस नहीं छोड़ कर जाते हैं? ठीक है, देखें कुछ कैमरे पे करते हैं, कुछ कैमरे के पीछे करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कैमरे के पीछे या कैमरे के सामने ये जो ना बुराई करना, एक तो गीबत साढ़े वैसे मजहब अल्लाह माफ़ करे, हसद अल्लाह माफ़ करे, खुदा की बनाई हुई, यानी अल्लाह ताला ने आफ्ताब इकबाल को इज्जत दी है, ऐसे कौनों ने सड़न अले, यानी कि अल्लाह ताला के फैसले क्या गलत हैं, अल्लाह माफ़ करे तौबा अस्तगफार। तो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो जड़ा लगे है ना, मेरा एक इंटरव्यू इन्होंने प्रोग्राम है ईद का आप देखिएगा, उसमें इन्होंने मुझे कहा रूबी आप मेरे पास तब आए हो जब आप सारा कुछ विन कर लिया हुआ आपने, और आपको वो लाइन लगानी चाहिए कि इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास तब आए हो जब आप माशाल्लाह
हर जगह से आप कामयाब होके आए हो, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं सिवाय नासिर सनियोटी के, अमानुल्लाह साहब के, बाकी सारे वहीं जाके वहीं जाके जफरी भी, हाँ जफरी तो माशाल्लाह हीरो, जफरी ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप देख लेना सारे अल्लाह ताला ने अब इनके साथ लगे तो काम किए तो सबको स्टार बनाए इन्होंने, हमें नहीं, मैं तो इनको आज भी बाप का दर्जा देती हूँ, ये कल भी मेरे बाप थे और आज भी मेरे बाप हैं, मैं हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने जीना सिखाया। अच्छा मुझे बता आप इनके कैफे गई हैं, कैफे बढ़ा के समझ लें वो अपने हथी थे आए हैं। अच्छा नहीं वो कैफे अब फ्री खाना मिल जाता है आपको खाना तेरे सामने ये सैंडविच मैंने क्यों खाया, क्योंकि मैंने दवाई खानी है वरना मैं कुछ खा नहीं सकती, तो बाहर का मैं घर की सादी फिक्की, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी इनका दिया हुआ है यार, ये कितनी मजे की बात है। मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा तुमने जाना है डॉक्टर सब्जवारी के पास और मेरी तबीयत खराब होगी ना रात को, तो तुमने सब्जवारी के पास जाना है, मैंने कहा जी चलिए, मैं उनके पास चली आती, मैं उनके पास गई, डॉक्टर सब्जवारी साहब ने मुझे 2 घंटे में सारे मेरे टेस्ट वेस्ट चेकअप वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा रूबी अगर ठीक हो ना तो आफ्ताब इकबाल को छोड़ दो, उन्होंने कहा अगर तुझे ये मैं टीवी पे ये प्रोग्राम में बता रही हूँ और ये हमेशा बात रहेगी, तो मैंने कहा जी मैं मतलब जॉब कर रही हूँ उनके पास और पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और मैंने भेजा भी उन्होंने तेरे को, उन्होंने कहा जे जिंदा रहने तेन छोड़ दे, मैं कहने मैं तेनों दवाई तद लिख के देंगे तो पहले मैंने कह के तू छोड़ नहीं है, फिर मैंने सर को फ़ोन किया मैं क्या बॉस है, बॉस कहते तू एक सेगमेंट कर लिया करा के, मैंने उनसे कहा मैंने मैं क्या एक सेगमेंट मैं कर लिया कर लूँगी, यानी कि एक पोर्शन जो 4 पीसेज होते उसमें से एक टुकड़ा मैं कराऊँगी, कह नहीं फिर मुझे छोड़ना पड़ा। और अब भी मुझे बॉस कहते हैं तेरा अपना कार है तेरा अपना चैनल है तुझे तो मर्जी वापिस आ, लेकिन मैं सब्जवारी साहब ने मुझे मना किया इसलिए मैं नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है आप अपनी जगह मुझे हाँ मेकअप करना होगा ना, मेकअप नहीं मेकअप करके मैं नहीं तेरा चला जाऊंगा, मुंह चुन्नी मी दा फर्क रह गया बेटा, वो जो जुड़ा का तेरा मुंह इंज दा ही मेरा हो गया है, मैं जिन्नियां टेंशन ले रही हूं आजकल इंज दा मुंह मेरा है ना हैरान हवनक इंज लगदा। अच्छा तू ना मुंह है ओ ना करे कर तेरे मुंह की बंदा ने पहले ही माशाल्लाह काफी बेड़े गर्क कीते ने तेरे नासा ना फुलाया कर बहुत पैड़ियां ने नहीं मैंने फुलाता। अच्छा इनके बारे में क्या क्या है, क्या बात है जिंदगी है लाइफ है ना दी। आफ्ताब इकबाल साहब जो है ना वो भी अपनी मर्जी के बंदे हैं, मज़े वाले बंदे हैं, लाइफ को एंजॉय करने वाले, इन भी कोई टेंशन नहीं, इन्हें भी गालियां पड़ती हैं कोई गल नहीं, बुराई ओदी हुंदी जेड़ा कुछ हुंदा जी, ये प्यारा ही इतना एक चीज मुझे बताया आपका मुंह जो है वो नॉर्मल औरतों की तरह क्यों नहीं है, शरीफ ने यह प्रोग्राम अगर वेखो तेरी कुत्ते वाली करनगे जिंद दा तू हैगा ना बाबरा शरीफ साहिबा किधर है, मैंने देखा अगर मैं प्रोग्राम बहाया तैन पता है वो तेरे ते एहो जा केस करेंगे तू सारी जिंदगी याद रखेगा। अगर हम 20 साल पहले मिलते हैं ठीक है कहीं पे तो आप मेरे साथ दोस्ती करती अच्छी तो मैंने 20 साल बाद भी मिले तू मेरा टेस्ट ही जिएगा मैं क्योंकि तुम्हें पता मुझे मैं आपको नहीं पसंद आता, नहीं नहीं तुम मुझे पसंद की बात नहीं, अल्लाह माफ करे शक्लों से थोड़ी प्यार होती है नहीं प्यार तो मोहब्बत ये तो अल्लाह की देन है ये तो खुदा की तरफ से होता है, इसलिए मैं कह नहीं सकती हो सकता मैं तेरी पिनियां कुटन दी होंगी हो सकता मैं तेरे वास्ते मतलब बाहरों एडी महंगी शॉपिंग करके ले आंदी हो सकता आप मेरी बात की असल में आंटी बन जाते वो तेरा अंकल खान शुक्र है मैं ओदा ब्याह नहीं किया पता मैं ओदी अंगूठी बेच के खाधी ओदे ना मेरी मंगनी हो गई सी ते मैं हुण उहनू वेख्या मैनू माफ कर दे मैनू सच बोलन की आदत है ओदा खाना ही खराब हो गया नहीं
ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਬਤਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਆ ਵਜਾ ਆਪਕੋ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਨਾ ਆਪਕੋ ਲਿਆ। ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਆ? ਆਪਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ, ਆਪਕੀ ਕੌਨ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ? ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਔਰ ਹੋਣਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। फिल्म मैंने तो फिल्म कभी की नहीं थी, हाजी ठाकुर साहब एंड नासिर चनेटी और अल्लाह की रहमत मिल के सिफारिश की उन्होंने आपकी? नहीं, रोल था, उन्होंने मेरा नाम लिया। अच्छा, उन्होंने नासिर चनेटी भाई ने मेरा क्लिप दिखाया, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। यानी और किसी का नाम नहीं लिया, किसी का रोल नहीं दिखाया, सिर्फ आपका दिखाया क्लिप? मे बी रोल मेरे लिए बन, अल्लाह मियाँ की रहमत और कोई आप कह सकते हो। इससे पहले मैंने कोई फिल्म की नहीं और ना ही मुझे कभी शौक था फिल्म। बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस जो है ना वो जो इसमें, चल मेरे पुट में नहीं है, कुछ ही सिर्फ रह गए हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे खेलिए जो कुछ रह गए हैं ना वो ठाकुर साहब से बड़े नाराज़ हैं। क्यों? कि यार आपने इसको ले लिया, आपने रूबी को ले लिया, हमें नहीं लिया। आप किससे क्या, मेरी बात सुने, आप क्यों जेलस होते हैं? मैं नहीं होता वो, नहीं सड़ता तो तुम ही बड़ा है। ठाकुर साहब ने कहा है चल मेरा पोत जो आएगी ना 10 आएगी उसमें मुझे लेंगे। हाय वो तो कर रहेगा जिंदा वो 10 में 10 नीचे हले ते 3 हूं ते 4 बननी है हले। अच्छा 5 बननी है ते फिर आगे 5 किदा प्रोग्राम थल्ले डेक के करना पे। अच्छा चुको का सवाल कर रहा है। अच्छा नहीं ठाकुर साहब ने बताया था कि आपके 4 सीन है उसमें, देखना मुझे भी एक फिल्म में मुर्दे का रोल मिला था। मुर्दा भी हो जिदी मुंह भी टकिया हुंदा क्योंकि तू मुर्दा बन के भी बेटा सोना नहीं सी लगना, क्योंकि मुर्दे का एडा भैड़ा मुंह होंदा ही नहीं। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਰ ਸੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਨੂਰ? ਨੂਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ। ਤੁਝੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਜੋ ਜਿਸਕੋ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 3 ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਲੇ 2 ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ 3 ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ। 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਚਲੇ 4th ਪਾਰਟ ਕਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਅਭੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਬ ਆਪ ਤੀਨੋ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਭੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਕਿ ਆ ਫਸਟ ਕੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟ 2 ਔਰ 29 ਕੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟ 3 ਔਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਗਈ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਕੋ ਇਤਨਾ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਦੋਨੋ ਫਿਲਮੇ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ 2-3 ਇੱਕ ਆ ਸਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4th ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ। अच्छा उसमें है आप? आप ये भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा, वैसे मैं ठाकुर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था है आप, उन्होंने आपको नहीं शायद बताया? अच्छा नहीं, मैं उस सीन में हूँ, वो जो लास्ट सीन दिखाया ना जिसमें बुड्ढे हो गए। यस यस वो वाला सीन। हाँ, उसमें मैं हूँ लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो जिंदगी मौत का पता कोई नहीं, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੋਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਲਿਫਟ ਕਰੇ ਆਪਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕੀਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਲੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡੇਟੇ ਸ਼ੇਟੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਥਾ। ਵਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਾ ਮਾਓ ਵਾਲੇ ਦਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਟੀ ਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਕਈ ਬਾਪ ਦਿਖਾ ਦੇਤੇ ਤੋ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਤੇ। ਜਬ ਆਪ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਆ
ये इंडिया वाले अभी तक कामयाब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पूरे रिश्ते दिखाते हैं। असं अपनी प्रोडक्शन घटाने वास्ते वो प्यो मरे है छड़ दियो जी, मैं आप अपनी जाती प्रोडक्शन के विच के मैं कहा इंज कोरे दी मां मार दियो लो, यानी प्रोडक्शन के पैसे घटाने वास्ते कि एक बंदे दी यार किन्ने पैसे कट देने ते तू सवाल जो नहीं ठीक है जो कर रहे लोग अरे क्यों क्यों प्रोग्राम दे अच्छा अच्छा बस ठीक है बस हो गया ना कि ए बस है की सी खत्म हो गया तो क्या करें, यानी कि ये बकवास है फजूल जी जड़ी है करना लोगों नु ए बहाना पे है। चलें कोई अच्छा कोई कंट्रोवर्शियल चीज कोई अपनी बता दे, कोई ऐसा ना हेडलाइन बन जाए कुछ ऐसे। यार मेरी गल सुनो, तुसी किड्डे पागल हो, इहदा प्रोग्राम वेखो रहि वाला जिदे विच वेखो मेरा की हाल होया। अज किसी किसी कॉमेडियन के बुराई कर दें, इहनू कम करना नहीं जी आंदा ते इहदा शो जिहड़ा जे ना ओह वेखिया करो गौर नाल, वेखो ऐ भावें जो मर्जी करां मैं इहदे नाल लड़ां मरां, लेकिन मैं इन्ना कुछ करन दे बावजूद मैं फिर भी इहदे शो ते आई हां। क्यों? क्योंकि मैं इहनू प्यार करनी है, इहदे मेरे स्टार मिलदे ने, हम दोनों जहां भी जाते हैं अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है। आप भी कैप्रिकॉर्न, मैं भी कैप्रिकॉर्न, स्टार मिलते हैं। हां ओए तेरी पिछली दफा हमने इकट्ठी सालगिरह नहीं की? यस 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 हां तुसी वेखो टके दा फनकार नहीं नाल ही रल जांदे बस कैप्रिकॉर्न, मैं उनके साथ मुझे अच्छा लगता है। 25 दिसंबर मैं, 31 दिसंबर मैं, 23 दिसंबर हाय ऐसे मारे मार सेम स्टार है, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है गल कर, चलें चलें, थैंक यू आने का। की आंदा है ए गल, मैं तो नहीं अज जाना। चलें नहीं मैं ना गल कर, मैंने बेटा सवाल कर कोई चंगा। अच्छा अच्छा हां चंगा चंगा कर, गल्ला कर कोई चंगा चंगा। मैं लोकां नूं की दसांगी, लोकां मेरी मेरी वैल्यू देखनी हूं। नहीं नहीं वैल्यू 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 लोकी की कहेंगे। हां अच्छा अच्छा एक चीज मुझे बता, कौन सी जुमला ठीक है? दो तरह के जुमले हैं, किस तरह वो कौन सा जुमला है जो कहना चाहिए और किस तरह का जुमला नहीं कहना चाहिए और क्यों नहीं कहना चाहिए? एक जुमला है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, ठीक है, एक ये तरीका, ठीक है। एक तरीका है तुम्हारी आंखों के डेले बहुत प्यारे हैं, तो क्या कहते हैं? अच्छा आपस की बात है, जैसे जैसे सवाल ही कहते ना, ओदा भी खाना खराब ते तेरा भी बेड़ा गर्क ते जिन्ने तेनु काम ते रखे ओदा नंबर दे। मैं कहनी मैं उन्हें भी दसा मजा उन्हें ते रखिया क्यों में ये बैठा हुआ है ए ए मोटा जी हां मोटा ए नहीं तो मैं हुणे ही दस रही चल बंद बे कैमरे में बंद तेरा बेड़ा गाना ना सॉरी सॉरी ले ब्रेक ले के खुदा हाफिज के के खुदा ब्रेक नहीं होगी खुदा हाफिज के हाजरी किसी के साथ ये प्रोग्राम का खत्म कर देंगे मुझे और ये मोटी आंटी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़। मोटी तेरा मालिक मोटा जिन्हें तू चैनल बनाया जिन्हें तेनु रखे खाना सब ये सब तेनु बुढ़ा सारे मिला तने चल चल उठ निकल।